Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को ना नवरात्रि की छठे दिन की पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बस मैं आ गई थी नहा के किचन में, पूजा वूजा हमारा हो गया था। तो आज मैं माता रानी के लिए जो प्रसाद बना रही हूँ ना, वो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही वॉश करके उसको थोड़ा सा पानी में सोख होने के लिए छोड़ दिया था। इसमें बहुत सिंपल खिचड़ी बनती है, आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हो इसमें। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया था, उसमें मैंने 2-3 चम्मच घी डाल दिए थे। घी गर्म हो गया, उसके बाद जो मैंने सारे चीज़ मिक्स करके दाल वाल जितना सब कुछ था ना, चावल जो भी सामान इंग्रेडिएंट्स थे, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डाल सकते हो, सोख करके डाल दिया था। अब इसमें ना इसको भून लेना है, 1 मिनट भून लेना है इसको घी में अच्छे से। और भूनने के बाद ना इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, पानी बस ऐड कर दो। आप अपने कितने लोग पतली खिचड़ी खाते हैं, कितने थिक खाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी इसमें ऐड कर दो। और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी, हल्दी के और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ज़्यादा नमक मत डालना, बहुत वो सॉल्टी हो जाता है। उसके बाद इसको मिला दो, मिलाने के बाद थोड़ा सा लगे तो अदरक डाल दो। उसके बाद कुकर को बंद कर दो और 4 से 5 सीटी आने दो, अपने आप खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप दाल इसमें मिक्स करते हो तो देखो ये कितनी टेस्टी खिचड़ी बनके तैयार हो गई थी। और अभी माता रानी को हम लोग लगाएंगे भोग, और दिन में हमारा लंच भी यही हो गया था, तो इसलिए मैंने आपके साथ नान आमु मालदो हाल सुगा ओप्सोची चन्नुने बानान जानुन इयाकी। अच्छा जी, ये ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। एक व्यूअर हैं जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आप आर उसको कब से डायपर पहनाती हैं, कौन सा पहनाती हैं, कैसे पहनाती है, वीडियो शेयर कीजिए, उसका साइज़ क्या है, कौन सा इलास्टिक वाला है या फिर स्टिक वाला है, पता नहीं कौन सा। तो देखिए, मैं ना आर उसको स्टार्टिंग से ही, उसके जन्म से ही पैम्पर का पहनाती हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट बहुत ही ज़्यादा ये डायपर जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका ना एंटी रैशेस वाला ब्लैंकेट है, ये लोशन इसका एलोवेरा विद लोशन रहता है ये। और ये ना मतलब कि ऑल नाइट का होता है ये, और मैंने स्टार्टिंग से इसको यूज किया है तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ यूज करने के बाद। तो आप चाहे ना तो आप भी अपना जो डायपर है ऐसा यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसका साइज जो होता है ना, मैं डबल एक्सल पहना रही हूँ, 15 से 25 kg का। वैसे मेरा बेटा पतला बहुत है बट मैं थोड़ा सा ना उसको लूज ही पहनाती हूँ ताकि उसको जो दाग होते हैं ना वो दाग ना आए। और ये ना इलास्टिक वाले हैं, डबल एक्सल का है, बहुत ही ये फ्लेक्सीबल है। आप देख सकते हो बिल्कुल रैसेस वगैरह कुछ भी नहीं आते, पैर में भी घुसाने में बहुत फ्लेक्सीबल है। तो मैं तो स्टार्टिंग से ही यूज कर रही हूँ, तो मुझे तो ये पैम्पर्स का ही अच्छा लगता है। वैसे मैंने एक बार हिमालय का भी यूज किया था, एक बार मम्मी पोको पैंट्स भी मैंने यूज किया था, तो मुझे ना वो कंफर्टेबल नहीं लगा था। तो इसको ना मैं अंदर से पलट कर भी मैं दिखा रही हूँ, ये देख रहे हो ये सारे लोशन वगैरह इसमें दिए रहते हैं। और ये इलास्टिक बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। मैं तो बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ। तो आपको ना अभी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे, ठीक है। 15 से 25 kg का होता है ये और इसमें 42 पैंट होते हैं, और ये हम लोग ऑनलाइन शुरू से ही मंगाते हैं तो हमें थोड़ा सा ये ऑफ मिलता है इसलिए। अच्छा जी, अब ना ये अभी मैं आ गई थी, पपीता हमने मंगाया था ना, तो पपीता कच्चा निकल गया तो हमने सोचा अब इसको क्या करें, तो इसकी सब्जी बना लेते हैं। जब मैं सब्जी बनाने के लिए काटने गई तो ये थोड़ी सी पकी हुई थी, तो मैंने कहा अब तो इसको ऐसे रखने से वो पकेगा भी नहीं, और तो फटाफट से मैं इसका सब्जी बना लेती हूँ। तो सब्जी जो मैंने बनाई थी ना, एक्चुअली वो बहुत ही खट्टी मीठी टेस्टी सब्जी बनी थी, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी एक बार ऐसा ट्राई करके देखिएगा। तो पपीता को मैंने पीसेस में काट लिए, तो उसको छील के और सारे पपीते को मैं जैसे आप लौकी कद्दू घिया जैसे काटते हो ना वैसे नॉर्मल रफली चॉप कर लेना है, कोई उसको फाइन चॉप नहीं करना है, रफली चॉप करके। बहुत ही ईजी तरीके से सब्जी बनती है, कोई मसाले वसाले, फटाफट से 10 से 15 मिनट में ये सब्जी बन जाती है। और इतनी टेस्टी खट्टी मीठी सब्जी बनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। एक बार जरूर टेस्ट कीजिएगा आप, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ले लिया था एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने वही थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया था, उसमें डाल दिया था मैंने हींग क्योंकि प्याज लहसुन तो पड़ने हैं नहीं अभी, और उसमें 5 फोरन, 1 मिर्च और तेज़पत्ता ये डाल दिया था। जब ये अच्छे से चटक गया तो जो मैंने पपीता को वॉश करके रखा था ना वो पपीता सारा मैंने इसमें डाल दिया। अभी इसको ना अच्छे से चला लेना है, अच्छे से मिला के, इसमें ज़्यादा कुछ भी अभी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ी सी हल्दी
और नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हाँ, इस टाइप की जो सब्जी होती है ना, जो जो वाटर रिलीज करती है, उसमें ना ज़्यादा आप नमक ना ऐड करें, वरना ये बहुत सॉल्टी हो जाती है। और हल्दी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, मैं तो यूज करती हूँ, एंटीबायोटिक होता है इसलिए मैं तो यूज करती हूँ। तो इसके बाद इन दोनों को मिक्स करके ना आप इसको ढक दो। ढकने के बाद ना आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दो, मीडियम हाई कुछ फ्लेम पे नहीं रखना, बिल्कुल लो पे। और बीच बीच में ना 5-5 मिनट का आप इसको चला चला कर देखते रहो, तो ये खुद ब खुद ना गलती चली जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे घिया और तुरई वगैरह की सब्जी बनाते हो ना वैसे ही। तो इसको ना बार बार मैं एक बार चला चला कर देख लेती हूँ, हो गया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दिया है, कसूरी मेथी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने देगी मिर्च डाला है, थोड़ा कलर अच्छा लगे इसलिए थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ी सी ना मैंने गरम मसाला, चुटकी भर गरम मसाला मैंने डाली है। अब इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर दें अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा से इस मसाले को ना सब्जी में ऑब्जर्व होने के लिए 2 मिनट आप इसको ढक के छोड़ दें। वैसे ये सब्जी ना मोस्टली तैयार हो चुकी है, तो ये सब्जी ना एक बार मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब्जी आप एक बार ट्राई करके देखना, खट्टी मीठी अधपकी पपीता की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये ना एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीज़ें ना आपको बिहार के मिथिला में खाने के लिए बहुत मिलेंगी, जो बिहार में ये सब बिहार में बहुत ज़्यादा बनती है, पपीते की सब्जी, कंचन पत्ते की सब्जी। तो ये सब्जी ना एक बार ट्राई कीजिएगा। हमारे यहाँ तो हम लोग जाते हैं ना, तो गांव में पपीता का जो पेड़ होता है ना, उसमें से जो दादी या चाची जो भी होती है वो तोड़ के बनाती है ना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो ये सब्जी मेरी हो गई थी पूरा डन। उसके बाद मैंने फटाफट से लगा लिए थे आटे, आटे बस इनको और उसको होता है, उसके लिए एक पराठा बनाना था, इनके लिए 3 रोटी बनानी थी बस। तो मैं फटाफट से मैंने आटे लगा लिए थे, आटे लगाने के बाद इसको छोड़ दिया था, थोड़ा सा मार के छोड़ देती हूँ आटे को, जब रोटी बनाना होता है ना तब उसको फाइनल टच में करती हूँ। तो बस आटा लगा लिया था। अब यहाँ पे हो गई हमारी मौज मस्ती ख़त्म, ऐसे ही हम तीनों मौज मस्ती करते रहते हैं बीच बीच में। और आगे थी मैं फटाफट से रोटी बनाने, मुझे तो खाना होता नहीं है, तो हस्बैंड को बोलती हूँ सब्जी वब्जी लगा के दे देती हूँ थाली में, बोलती हूँ आप सलाद वलाद खुद ही कर लो, अचार मिर्ची जो भी उनको करना होता है वो खुद ही किचन में कर लेते हैं। और फटाफट से पहले मैं उनको रोटी बना के गरम गरम दे देती हूँ, तो वो घी लगा कर रोटी खा लेते हैं। तो पहले क्या होता था ना, मुझे खाना होता था तो ये बोलते थे नहीं तुम रोटी बना के रख लो, साथ में खाना खाएंगे। लेकिन अभी क्या, मुझे फ्रूट खाने होते हैं, तो मैं आरुष को खाना खिलाते खिलाते भी फ्रूट खा लेती हूँ, तो ज़्यादा मेरे को टेंशन होती नहीं। तो फटाफट से मैं इनको गरम गरम रोटियाँ सेक कर ना घी लगा कर दे देती हूँ, तो खा लेते हैं। तो और उसके बाद ना आलू, आरुष के लिए मैं आलू और पनीर मिक्स करके पराठे बना रही थी। बहुत मुश्किल होता है उसको रात को खिलाना, उसके इतने नखरे होते हैं ना मैं क्या बताऊँ। बस छोटा था ना तो खा लेता था पराठे वगैरह, अभी तो इतना ज़्यादा चूजी हो गया ना, खैर ये बात भी ठीक नहीं होती बच्चे को, फिर वही बच्चे आगे चल के ना खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं। तो बस आरुष के लिए फटाफट से मैं बना रही हूँ पराठे, आरुष को पराठे बना के ना मैं खिला दूंगी। और पता है मैंने ना एक हफ्ते के बाद आज मैंने जो पपीता की सब्जी बनाई थी ना, तो मैंने एक रोटी पपीता की सब्जी के साथ लिया था, इतना टेस्टी लगा था ना मत पूछो, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था वो। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा वो सब्जी, बहुत दिनों के बाद मैंने एक हफ्ते के बाद सब्जी और रोटी खाई थी रात में। तो ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। जो लोग
भी प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आते हैं ना, सब्सक्राइब करके जाइए बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में।